हेलो गाइस, दिस इज चंदन। वेलकम टू चंदन क्लास सी के द वे टू सक्सेस। कैसे आप सब गाइस? होप करता हूं आप सब अच्छे होंगे और अच्छे से अपने घर पे अपने एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे होंगे गाइस। तो सबसे पहले आप सबको हैप्पी न्यू ईयर गाइस। आप सबको नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये साल आपके लिए अच्छा साबित हो और आपका एग्जाम पास हो और आपको एक अच्छी गवर्नमेंट सर्विस मिले, ठीक है गाइस। तो चलिए आज के सेशन में मैं कौन सा सेशन लेकर आया आपके लिए? वायसरॉय ऑफ इंडिया, ठीक है गाइस। क्या वायसरॉय ऑफ इंडिया स्टेट जीके का एक सेशन है जो मैं आपके लिए लेकर आया। टॉपिक है जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा मेन है। तो मेनली गाइस ये वायसरॉय ऑफ इंडिया क्या है, मतलब कि देखो आज के टाइम में जो है वो तो होता है आपके प्राइम मिनिस्टर सुना होगा आपने या प्रेसिडेंट सुना होगा, लेकिन जो पहले ये टाइम था आज़ादी से पहले हिस्ट्री मतलब हमारा इतिहास जो है उसमें क्या होता था, वायसरॉय होते थे और उनसे पहले क्या होते थे, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है, या फिर गवर्नर ऑफ इंडिया ऐसे करके हुआ करते थे, ठीक है गाइस। तो हम स्टार्ट करते हैं सेशन में, चलिए आइए। तो ये बात है कब की आपकी, 1600 CC की बात है गाइस, ठीक है, 16वीं शताब्दी की बात है। जब क्या हुआ था हमारा एस्टैब्लिशमेंट हुआ था, किसका एस्टैब्लिशमेंट ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। आपने सुन रखा होगा जो ब्रिटिशर्स आए थे उन्होंने जो पहली कंपनी खोली थी, क्या नाम था उसका, ईस्ट इंडिया कंपनी गाइस, ठीक है। क्या था, ईस्ट इंडिया कंपनी। तो जो भारत के सिंहासन पे बैठा हुआ था, जो जिसका राज चलता था मुगल्स का, उस समय कौन था वो राजा था, जो वो था आपका जहांगीर, ठीक है, जहांगीर था गाइस। तो ब्रिटिशर्स आए और उन्होंने परमिशन ली जहांगीर से कि सर हम ट्रेड करना चाहते हैं, हम व्यापार करना चाहते हैं आपके इंडिया में, तो आप हमें करने की इजाज़त दीजिए। तो उसने उनको परमिशन दे दी जहांगीर ने ब्रिटिशर्स को कि आप ईस्ट इंडिया कंपनी खोल सकते हैं, व्यापार करिए अपना, ठीक है। तब 1600 CE में, ठीक है, उसके बाद चलता रहा जैसे कि सब कुछ चल रहा था नॉर्मल। उसके बाद 1757 आता है, ठीक है, मतलब उनका व्यापार चल रहा था, पर इसमें उन्होंने क्या करा, बंगाल के सेशन पर उनमें लड़ाई लड़ दी, जिसका आपको मैंने बताया भी था सेशन में, बैटल ऑफ प्लासी से कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे ब्रिटिशर्स और जो बंगाल के नवाब थे उनके बीच में क्या हो गई, लड़ाई हो जाती है 1757 में, जिसे हम बैटल ऑफ प्लासी भी कहते हैं। तो जो पहला जब लड़ाई हुई तो ब्रिटिशर्स की तरफ से कौन था, मतलब कि गवर्नर, बंगाल गवर्नर, पहले गवर्नर होते थे, ठीक है, कौन बंगाल का जो गवर्नर था, जो पहला उनका बना ब्रिटिशर्स का, जिसने लड़ाई की शुरुआत करी, उसका नाम क्या था, रॉबर्ट क्लिव, क्या था उसका नाम, रॉबर्ट क्लिव, तो आपको याद रखना है, ठीक है। 1600 में इस्टेब्लिशमेंट हुआ ईस्ट इंडिया कंपनी का, वो आए उन्होंने ट्रेड के लिए, परमिशन किससे मांगी, जहांगीर से। 1757 में फिर बैटल ऑफ प्लासी हुई जो कि बंगाल के नवाब से और ब्रिटिशर्स के बीच में होती, जिसमें कि ब्रिटिशर्स जीत गए थे और जो उनकी तरफ से उत्तरदायक था ब्रिटिशर्स का मेन, वो कौन था आपका, रॉबर्ट क्लिव, ठीक है गाइस। तो चलिए ऐसे ही पहले गवर्नर बने, फिर गवर्नर जनरल बने, फिर उसके बाद वायसरॉय जो थे उनको अनाउंस कर दिए, ठीक है। तो चलिए आगे करते हैं, मैं आपको स्टार्टिंग से बताता हूँ, चलिए गाइस आइए। तो गाइस अब हमारे पास क्या है, एक तरह से ये क्या है गाइस, आपका ओवरव्यू है कि हम जैसे देखेंगे क्या क्या अनाउंसमेंट जो करी थी ब्रिटिशर्स द्वारा, वो 1757 से 1772 तक बंगाल गवर्नर होता था, ठीक है, जो पहले मतलब कि एक तरह से वायसरॉय नाम नहीं था, मैंने क्या बताया था, गवर्नर, गवर्नर ऑफ जनरल या इंडिया गवर्नर जनरल। तो 1757 से 1772 तक बंगाल के गवर्नर थे, उसके बाद 1773 से 1832 तक बंगाल गवर्नर जनरल अनाउंसमेंट करी, उसके बाद 1833 से 1857 तक इंडिया गवर्नर जनरल रहे, और 1858 से 1946 में अनाउंसमेंट करी वायसरॉय रहे, ठीक है। 1858 में वायसरॉय जो था उन्होंने अनाउंसमेंट कर दी, और 1947 से 1950 में फिर से गवर्नर जनरल कर दिया, ठीक है, अनाउंसमेंट। तो ये सब थी जो ओवरव्यू एक तरह से कि जो पता होना चाहिए, ठीक है, देख लीजिए, आप चाहे तो स्क्रीन शॉट ले सकते हैं, ले लीजिए गाइस। चलिए आइए आगे करते हैं। तो गाइस अब हमारे पास क्या है, जैसे मैंने आपको बताया था कि जो पहले उत्तर अधिकारी बने ब्रिटिशर्स की साइड से कौन से थे, वो रॉबर्ट क्लिव, ठीक है। अब मेनली एग्जाम में जो है हमसे पूछा जाएगा कि कौन से वायसरॉय है, कौन से ईयर में है, ये पूछ लेते हैं मेनली, या फिर पूछ लेते हैं कि इस समय जब ये हुआ तो वहाँ पे कौन सा गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया था, या फिर बंगाल का गवर्नर कौन था, ठीक है, ये सब पूछ लेते हैं। और कुछ कुछ मेन ऐसे हमारे वायसरॉय या फिर गवर्नर्स रहे हैं हिस्ट्री में, जिनके शासन के टाइम में, जिनके जब टाइम चल रहा था, ड्यूरिंग पीरियड चल रहा था, तो उसमें क्या क्या मेन इन्वेंशन हुए, क्या क्या एक अलग अलग चीज़ें इन्वेंट हुई हमारे इंडिया में, और जिससे
क्या डेवलपमेंट होती रही, ठीक है। तो ये सब मेनली पूछ लेते हैं कि इस समय कौन सा, जब ये चीज़ हुई, ये एक्ट हुआ, ये चीज़ें स्टार्ट हुई, तो इस समय कौन सा वायसराय था या कौन सा गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया था जो प्रेजेंट था, या फिर ईयर पूछ लेते हैं, ठीक है, उसके हिसाब से चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अभी हमारे पास यहाँ पे क्या देखिए, रॉबर्ट क्लिफ, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि पहले जो बने एक तरह से बंगाल गवर्नर ऑफ इंडिया कौन है, वो आपके रॉबर्ट क्लिफ है, जो कि 1757 से 60 तक रहे, 1757 से 1760 तक रहे 3 साल, उसके बाद फिर से 1765 से 67 तक रहे, उसके बाद वो 1765 से 67 तक फिर तक रहे, कौन रहे, रॉबर्ट क्लिफ। नेक्स्ट टाइम हमारे पास गाइस वॉरेन हेस्टिंग्स, एग्जाम की पोर्टल जिसे बहुत ज़्यादा मेन है वाली जो बंगाल गवर्नर है, क्योंकि इनके शासन में बहुत सी चीज़ें हुई हैं और इन्होंने बहुत सी चीज़ें जो इन्वेंट भी करवाई थी, ठीक है, अपने उसमें ड्यूरिंग पीरियड में रहते हुए। तो क्या नाम है उनका, वॉरेन हेस्टिंग्स, ठीक है गाइस। तो ये कब से कब तक रहा इनका पीरियड, 1774 से 85 तक, गाइस देखिए 1774 से 85 तक, मतलब कि 11 साल रहे ये, ठीक है गाइस। चलिए तो इन्होंने क्या क्या वो करा, इनके शासन में क्या क्या हुआ, एक तो हुआ आपका रेगुलेटिंग एक्ट, ठीक है गाइस, क्या हुआ आपका रेगुलेटिंग एक्ट। सेकेंड है फर्स्ट सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, जो फर्स्ट सुप्रीम कोर्ट था इंडिया में जो स्टैब्लिश हुआ, कहाँ पे हुआ, कलकत्ता में, और कब हुआ था, ईयर ही पूछ लेते हैं, 1774 में हुआ था, ठीक है, 1774 में अपने पहले साल में इन्होंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया स्टैब्लिश किया। और थर्ड है हमारे पास इनके टाइम में क्या हुआ, फर्स्ट न्यूज़पेपर, जो फर्स्ट न्यूज़पेपर था इंडिया का वो कौन सा था, द बंगाल गैजेट था, ये क्वेश्चन नहीं बनता एग्जाम में, पॉइंट से मैंने कि पहला न्यूज़पेपर का नाम क्या है, तो वो था द बंगाल गैजेट, वो भी इनके टाइम पे हुआ। और ट्रेड्स इंडिया एक्ट 1784, ठीक है गाइस। तो गाइस अब हमारे पास कौन से हैं, देखिए लॉर्ड कॉर्नवालिस, कौन है, लॉर्ड कॉर्नवालिस, ठीक है गाइस, ये भी एग्जाम की पॉइंट से मेन है, क्योंकि इनके टाइम पे भी बहुत सी मेन चीज़ें हुई हैं। सिविल सर्विस स्टार्टअप, जो सिविल सर्विसेज हैं वो इन्होंने ही इस्टेब्लिश करवाई, ठीक है, और एंड इस्टेब्लिशमेंट ऑफ पुलिस, जो पुलिस की इस्टेब्लिशमेंट थी उसके लिए भी इन्होंने ही अपने टाइम पीरियड में करवाया था, ठीक है, कौन, लॉर्ड कॉर्नवालिस, ठीक है गाइस। और श्रीरंगपट्टनम पैक्ट, ये बहुत ज़्यादा मेन पैक्ट है, पूछा जाता है किसके टाइम पे हुआ, ये लॉर्ड कॉर्नवालिस के बीच में हुआ, जो कि टीपू सुल्तान और ब्रिटिशर्स के बीच में हुआ था, ठीक है, पैक्ट, ठीक है। और टीपू सुल्तान की कौन है, हैदर अली के बेटे, ठीक है गाइस। नेक्स्ट है हमारे पास लॉर्ड जॉन शोर, कौन है, लॉर्ड जॉन शोर, और इनके में मेनली क्या हुआ था, खारदा वॉर हुई थी, क्या हुई थी, खारदा वॉर, जो कि मराठा और निज़ाम के बीच में हुई थी गाइस। और इनके नेक्स्ट है हमारे पास लॉर्ड वेलोजिली, लॉर्ड वेलोजिली इसलिए मैंने, क्योंकि जो फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर हुई थी ना 1799 में, वो इनके टाइम पीरियड में हुई थी गाइस। और एग्जाम के एसएससी में 2006 के एग्जाम में पूछा भी गया है कि जब फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर हुआ तो उस समय कौन था गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, कौन था, लॉर्ड वेलोजिली, और ब्रिटिशर्स और टीपू सुल्तान के बीच हुई थी फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर 1799 में। और इन्होंने बैन कर दिया था किसको, प्रेस को इन्होंने बैन करा दिया था कि प्रेस के कोई भी काम नहीं होगा, कोई भी ऐसे पत्रकार कुछ भी अफवाह नहीं फैला सकते, ठीक है, इन्होंने बैन करा था उनको, लॉर्ड वेलोजिलियन, ठीक है गाइस। चलिए आइए आगे करते हैं, तो गाइस अब हमारे पास नेक्स्ट कौन है, लॉर्ड कॉर्नवालिस, ठीक है, जो कि बने थे, ठीक है। उसके बाद 1805 में इनकी डेथ हो गई थी, कहाँ पर, यूपी के गाजीपुर में डेथ हो गई थी इनकी, लॉर्ड कॉर्नवालिस की, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास सर जॉर्ज वर्लो, ठीक है, कौन है हमारे पास, सर जॉर्ज वर्लो, जो कि रहे 1805 से 1807 तक, ठीक है। इनमें कुछ मेन नहीं था, लेकिन वेलोर सोल्जर्स प्रोटेस्ट हो गया था इनके में, सोल्जर्स ने बगावत कर दी थी सर जॉर्ज वर्लो के टाइम पीरियड में। नेक्स्ट है हमारे पास लॉर्ड मेंटो, ठीक है, लॉर्ड मेंटो, जो कि 1807 से 1813 तक रहे, जिसके शासन के बीच में हुआ अमृतसर पैक्ट, जो अमृतसर पैक्ट हुआ वो इनके शासन में हुआ था, कौन, लॉर्ड मेंटो गाइस, ठीक है। चलिए देख लीजिए, चलिए आइए आगे करते हैं, तो गाइस अब हमारे पास नेक्स्ट कौन है, लॉर्ड हास्टिंग गाइस, कौन है, लॉर्ड हास्टिंग, ठीक है। ये कब से कब तक रहा है इनका पीरियड, 1813 से 1823, 10 साल रहे ये शासन में, ठीक है गाइस। और इनके टाइम में क्या हुआ, रेतवाड़ी अरेंजमेंट हुआ, जो कि कहाँ पे हुआ था, मद्रास में 1820 में हुआ गाइस, मुंडो जगह, ठीक है। रेतवाड़ी अरेंजमेंट किन के शासन में हुआ पूछते हैं, तो लॉर्ड हास्टिंग में हुआ, और 1820 में हुआ था वो, और कौन से स्टेट में, मद्रास में। चलिए नेक्स्ट टाइम हमारे पास लॉर्ड विलियम बेंटिक, ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा मेन है गाइस, क्योंकि एक तरह से देखा जाए बहुत मेन भी वाइज ये रहे हैं, ठीक है, क्योंकि ये फर्स्ट इंडिया गवर्नर जनरल भी थे। अगर क्वेश्चन पूछ लेते एग्जाम में कि फर्स्ट इंडिया गवर्नर जनरल कौन है, तो वो कौन है, लॉर्ड विलियम बेंटिक ही है, क्योंकि एक तरह से इन्होंने बहुत सी चीज़ें जो हैं बैन करी और इंडिया के हित में करी थी। चार्टर्ड एक्ट जो आया था 1833 में आया था, वो भी इनके टाइम में आया था। अगर पूछते हैं चार्टर्ड एक्ट का कौन से ईयर में आया, एक तो 1833 में आया, किसके टाइम में आया, लॉर्ड विलियम बेंटिक के टाइम में आया, ठीक है गाइस। और इन्होंने बैन क्या करा था मेन, और ये कब से कब तक था इनका शासन, पहले ये देखिए 1828 से 1835, 7 साल तक ये रहे
लॉर्ड विलियम बेंटिक, ठीक है गाइस। और जो इन्होंने मेन काम करा वो करा क्या, बैन करा सती प्रथा को। सती प्रथा पता ना आपको, जैसे किसी के आदमी की डेथ हो जाती थी पहले टाइम में जेंट्स की, तो उसी के साथ उनकी जो वाइफ हो जाती थी, जो विडो हो जाती थी, उसी को भी जला देते थे उनके साथ ही, अंतिम संस्कार कर देते थे उनका। तो सती प्रथा को इन्होंने बैन करवाया कि इन्होंने लॉर्ड विलियम बेंटिक ने इसके साथ मिलकर, जो राजा राम मोहन थे उनके साथ मिलकर उन्होंने सती प्रथा को भी बंद करवाया गया, जो बहुत अच्छा इनिशिएटिव भी था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट टाइम आ रहे हैं चार्ल्स मेटकॉफ, ठीक है। ये कब से कब तक रहा है, इनका शासन ज़्यादा नहीं रहा, 1835 से 1836, लेकिन इन्होंने जो प्रेस को जिसने बैन कर दिया था ना, इन्होंने फ्रीडम दे दी उन्हें, मतलब कि आपको छूट है, मतलब आपको आज़ादी मिल गई है, आप फिर से अपनी काम कर सकते हैं, ठीक है। कि इन्होंने चार्ल्स मेटकॉफ में गई। तो चलिए नेक्स्ट करते हैं, आइए आज हमारे पास नेक्स्ट कौन आए, फिर आए ओकलैंड, ठीक है। कौन आए, ओकलैंड, जो कि 1836 से 1842 तक रहे, 6 साल, ठीक है गाइस। इनके टाइम पे कुछ ज़्यादा मेन काम कुछ नहीं हुआ, क्योंकि कोई कोई ऐसे वॉयसराय बने या फिर गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बने, इनके टाइम पीरियड में ज़्यादा कुछ बड़ा नहीं हुआ, तो वो पूछा भी नहीं जाता, ठीक है। नेक्स्ट आए एलनब्रो, कौन आए एलनब्रो, जो कि 1842 से 1844 तक रहे, ठीक है। इनके में मेन काम क्या इनिशिएटिव हुए, दास प्रथा का एंड हो गया, जैसे स्लेव बना कर रखते थे ना गुलाम लोगों को इंडिया में, दास प्रथा का एंड किन ने करवाया, एलनब्रो, एग्जाम बोर्डों में से भी मेन है, पूछ सकते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट है इनके टाइम पीरियड में क्या हुआ, संडे। तो गाइस आज के सेशन के लिए इतना, अगर मेरे आज का सेशन अच्छा लगा हो तो मेरी वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और मेरी वीडियो को शेयर करो गाइस। तो मिलते हैं वायसराय ऑफ इंडिया के नेक्स्ट सेशन में, ओके गाइस, बाय। जरूर जुड़िएगा मेरे चैनल से गाइस, चंदन क्लासेस सीखे, ठीक है गाइस, ओके।